सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लास्ट डे बिनसर में। तो यार अभी हमें करना है चेकआउट। अभी बज रहा है सुबह के 6:30। हाँ यार, एक्चुअली घर जल्दी जाना था क्योंकि हमारे को उसके बाद गाजियाबाद से गुड़गांव निकलना है और कुछ कुछ काम है आज जो हमारे को कंप्लीट करने हैं। इस वजह से हम जल्दी निकल रहे हैं ताकि घर जल्दी पहुंचे। तो बिनसर यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर्सनली पूछो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। अभी जैसे सुबह उठा हूँ जस्ट, तो कैमरे में पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं, चिड़ियाओं की, मुर्गों की इतनी अच्छी आवाज आ रही है ना, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। मैं फ्रेश हूं नहीं क्योंकि मेरी रात को 3 बजे आग खुली थी और मैं रात को 3 बजे से जग रहा हूँ। तो मैंने फिर वही सोचा, अब पूरी रात तो मैं सोया नहीं हूँ तो इससे अच्छा निकल ही लेते हैं। सुबह सुबह के नजारे देखो यार, होटल से बहुत सुंदर लग रहा है सनराइज। अभी ये हमारा एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप था बिनसर का। फ्राइडे आए, सैटरडे एंजॉय करा, संडे को घर वापस। तो पहाड़ों पर आना ज्यादा जरूरी था क्योंकि एक महीने से पहाड़ों पे नहीं आया था यार, और मैं पहाड़ों पे नहीं जाता ना तो भाई ऐसा लगता है लाइफ में कुछ तो कमी है। एक वीकेंड बिनसर आ गया, वो पहाड़ देख लिए, पीछे अरे कांगे वो पहाड़ देख लिए, दिल खुश हो गया। चेकआउट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बाकी की बातें रस्ते में करेंगे। तो यार निकल रहे हैं अब यहाँ से, पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, सुरभि बिलिंग कराने गई हुई है और मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ सामने, और सामान वगैरह रख के थोड़ा गाड़ी साफ करके फिर निकलते हैं यहाँ से। अरे रे रे, ये किसने गाड़ी खड़ी कर दी भाई अपनी गाड़ी के पीछे? इनोवा वाले भैया को उठाना पड़ेगा, बेचारों को सुबह 6 बजे उठाना पड़ जाएगा। अरे भाई क्या हो गया, सुबह सुबह पहाड़ों पर लड़ाई। निकल चुके हैं हम सुबह 6:30 बजे, तो बोलो हर हर महादेव। यार बड़ा अच्छा रहा बिनसर। सुरभि तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारा, मजा आया ना? बहुत शांत, बड़ा पीसफुल सा है। और अगर सेंचुरी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, बट वाइल्ड लाइफ दिखी कुछ नहीं, बस वो कल एक फॉक्स दिखा था क्या था, भेड़िया नहीं, लोमड़ी, लोमड़ी लोमड़ी मिली थी। तो भाई नजारों के लिए आए थे, नजारे मिल गए मस्त। अगर क्लाउडी नहीं होता ना तो यार हिमालयन रेंज दिखती बर्फ वाली, बस वो मिस हो गई। कोई नहीं, दोबारा आएंगे बिनसर तब देखेंगे और अच्छे से। सुबह सुबह के मस्त नजारे, फ्रेश एयर और ताजगी है भाई, हवा में ताजगी है, और जो पत्तों की, पेड़ों की जो खुशबू होती है ना वो है यार सुबह सुबह, और सिर्फ सुबह ही नहीं पूरे दिन भर रहता है। अभी दिखा रहे हैं गूगल मैप्स, 344 किलोमीटर, 8 घंटा, अरे क्या बोल रहा हूँ, 8 घंटा 8 घंटा 26 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 8 घंटा 26 मिनट तो दिखा रहे हैं, बीच में रुकेंगे खाने पीने के लिए 3-4 बार, आपको तो पता ही है यार हम तो आराम आराम से रुक पाते जाते हैं। प्लस मैंने बताया ना मैं सुबह 3 बजे से जग रहा हूँ, तो अगर मेरे को नींद आएगी तो हम गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी में ही सो जाएंगे। दूसरी कोई चीज नहीं है भाई, एंजॉय करो वादिया। वैसे यार एक चीज तो है, जितना एंथू से आप आ रहे होते हो ना ट्रिप पे डेस्टिनेशन के लिए, उतना एंथू ज्यादा टाइम नहीं होता। साला ऐसा लगता है कि पहाड़ों से यार क्यों जाना है यार, यहीं रह लो, मतलब परमानेंटली यहीं रह लो। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता यार कि पहाड़ छोड़ के कहीं भी जाऊं, बट भाई वही है, वर्क कमिटमेंट से जाना पड़ेगा, नौकरी भी तो करनी है, नौकरी करेंगे तभी तो ऐसी ट्रिप्स होंगी और आप घूम पाओगे हमारे साथ। भाई साहब बिनसर में 2 दिन से पूरी रात भर बारिश हो रही है, परसों रात भी बारिश हुई, कल रात भी पूरी रात बारिश हुई है। मतलब शाम को, मतलब ऐसा होता है कि जब तक सनराइज रहता है ना 6 बजे तक तो गर्मी होती है, 6 बजते ही भाई क्या ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है, एकदम ठंडा हो जाता है। और रात को तो ऐसा था निक्कर और टी शर्ट में बैठा ही नहीं जा रहा था, मैं तो स्पेशली पजामा पहन कर आया और टी शर्ट पहना हुआ था उसके ऊपर शर्ट पहनी।
सुबह का ट्रैफिक भाई साहब, पता नहीं कौन सी रोड से ले जा रहा है गूगल मैप, बिल्कुल शहर के अंदर से। अब शहर भी पता नहीं क्या है, अल्मोड़ा है आई गेस। और सुबह सुबह जाम लगा हुआ है यार, मतलब 7 बजे जाम कहाँ लगता है, 7 बजे इतना ट्रैफिक है। और गूगल मैप आगे तो दिखा रहा है पूरा लाल, पूनी लाल दिखा रहा है आगे, इधर भी ट्रैफिक भाई साहब, जगह ही नहीं है। ओहो, बस टच हो, क्या प्रोसीजर है। तो यार अल्मोड़ा से पहले ये मार्केट पड़ रही थी, बहुत भीड़ थी जब हम जा रहे थे ना, तब भी मिठाई की दुकानों पे ना बहुत भीड़ थी, और अभी भी सुबह 7 बज रहे अभी भी मिठाई की दुकान पे बहुत भीड़ है। तो भाई उत्तराखंड की जो ये बाल मिठाई है ना, ये हमने लिया है, तुम खाओगी? आधी ले लो, मेरे को एक बाइट चाहिए बस, टेस्ट करनी है मेरे को भी, तुम खा लो। ये तो ऐसा लग रहा है होम्योपैथी की गोलियां होती है ना वो, मीठी मीठी। ओ भाई बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, अच्छी है, अच्छी है, मीठी बहुत है। मैं तो पेड़ा लाई हूँ अपने लिए। चलो तो निकलते हैं, गूगल मैप 8 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। चलो मैं खाता हूँ भाई। अल्मोड़ा तो हम आ गए हैं है ना, वो सामने देखो वही वाला मॉल आ गया जिस पे लास्ट टाइम हमने डोमिनोज से पैक कराया था भाई। सही बड़ा भी पिछले पॉइंट से 5 मिनट भी गाड़ी नहीं चलाई और हमने फिर से गाड़ी रोक दिया है। नजारे इतने अच्छे आ रहे हैं, नजारे इतने सुंदर है कि हम कंटिन्यूस चला ही नहीं पा रहे, गाड़ी बार बार रोकनी पड़ रही है। ये नीचे पूरी कोसी रिवर बेड जो मैं कह रहा था ना, हमने अल्मोड़ा के बाद से काफी हाइट लूज कर दी है। और ये देखो बड़े बड़े पहाड़, कितने बड़े बड़े चट्टानों को काट के ये हाईवे बनाए गए हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं यार जो पहाड़ों पे रोड्स बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हेलो भाई, निकलते हैं यहाँ से, गूगल मैप दिखा रहा है 7 घंटे 44 मिनट 325 किलोमीटर हमारे घर गाजियाबाद के लिए।
यार इतने बढ़िया व्यूज आ रहे थे, नदी ये बराबर में साथ में बह रही है, फोकस करता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पे ये नदी बह रही है, तो गाड़ी हमने यहीं लगा दी है और वादियों को एंजॉय कर रहे हैं। सुरभि को देखो, सुरभि सामने पत्थरों में मार रही है भाई पानी पे, उसको अलग मजे आ रहे हैं। और जोर से थोड़ा और दूर, फोटो वीडियो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। लैंडस्लाइड एरिया है ये अपनी गाड़ी यार कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। पहाड़ों पे आओ ना, किसी भी ट्रिप पे जाओ पहाड़ों पे या कहीं भी, जितनी ज्यादा गंदी होती है ना गाड़ी उतनी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। और यार मिट्टी चिपकती है ना गाड़ी से तो यार बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम गाड़ी मेरे को इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे को लग रहा है, या तो रोड ब्लॉक है, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है इधर का भी उधर का भी। मैं चल के देख के आऊं वहां के जाके, रुको मैं देख के आती हूं। देख कर आओ, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। देख कर आओ यार, ट्रैफिक जाम तो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं दिख रहा, गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, मैं गलती उतर गई, बट देखते हैं। ये व्यू अलग अच्छा लग रहा है, क्या हो गया भाई? हाँ अच्छा, ये रोड बन रही है इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक जाम किया हुआ है, बट कोई नहीं, ज्यादा बड़ा ट्रैफिक तो नहीं भैया, बड़ा तेज म्यूजिक बना रहा है। रोड बन रही है यहाँ पे ना, ये इधर क्या जल रहा है? ये यहाँ पे वो चल रहा है ना तार, तारकोल, जो ये रेड़ी रोड़ी जो ये रोड़ी बिछाते हैं उससे पहले वो तारकोल डालते हैं ना ताकि वो चिपक जाए। वैसे भी पूरी रेड़ी हमारी, पूरी रोड़ी, पहले तुम रेड़ी बोलना सीखो फिर रोड़ी बोलना सीखो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चाय पी लो। यार नैनीताल से पहले एक ये ढाबा पड़ा था, ढाबे का नाम ही है नैनीताल ढाबा, तो यहाँ पे हम रुक गए हैं। तो मैंने तो आलू पराठा ऑर्डर करा है, तो भी अभी देख रही है क्या मंगाएगी। भूख बहुत लग रही है मेरे को, तो 3 बजे से भूख लग रही है रात को, और 6:30 बजे हम निकल गए थे, अभी 9:30 बज रहे हैं। तो यार खा पी के अब हम निकल चुके हैं, नैनीताल यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर है, और हमने नैनीताल के लिए जो वापस से चढ़ाई शुरू करनी थी वो भी हमने शुरू कर दिया है, तो कोसी नदी जो है वो पीछे रह गई और अब हम चल रहे हैं नैनीताल के लिए। अब क्योंकि 10 बज गया है ना, अब ट्रैफिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि संडे का टाइम है, आज संडे का दिन है, मैक्सिमम लोग क्या हो रहे हैं नैनीताल पिंसर से वापस जा रहे हैं दिल्ली NCR, तो अब ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो जो पहले हमारे को 3:30 बजे का ETA दे रहा था ना, अब गूगल ने उसको अपडेट करके कर दिया 4:30 बजे, 4:30 बजे दिया है। बीच में भी रुकेंगे भी काफी बार, तो 6 बजे मुझे लगता है 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। भाई सब टायर एकदम गरम हो रखे हैं, आगे वाले गरम है,
दूसरा वाला और देखते हैं। ओ भाई, अभी हम काठगोदाम में हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो है ना, वो अभी टैंक कर दो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। तो भाई गाड़ी में तेल ऊपर तक डलवा लिया पूरा, अब हो गया हमारी टंकी फुल और हमें जाना है अब 250 किलोमीटर और। तो ये इसके ऊपर हमारे को अब और तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। अब वैसे भी पूरा हाईवे है, हाईवे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आते टाइम ब्रियो कितनी 20 की एवरेज दे रही थी, तो अभी हाईवे है पूरा 250 किलोमीटर, तो 18 की एवरेज तो दे ही देगी, 17-18 की, तो आराम से पहुँच जाएंगे। निकल चुके हम अपने फाइनल स्ट्रेच के लिए। 85 किलोमीटर अब हम करेंगे नॉन स्टॉप और फिर हम पहुंचेंगे सीधा घर। घर जाने की एक्साइटमेंट है बट भाई पहाड़ों को उतना ही मिस कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यार गाजियाबाद और अभी बज रहा है 6:03। 6:30 बजे हम निकले थे अपने रूम से और 11:30 घंटे में हम पहुंचे। यार बहुत ही खराब लग रहा है यार, पहाड़ नहीं है ना, पहाड़ों की आदत हो चुकी है, पहाड़ नहीं मिलते ना तो अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती। तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी हम वापस जाने वाले हैं पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों के बिना तो भाई हम दोनों ही रह ही नहीं पाते। तो कहाँ जा रहे हैं? हिमाचल। अब हिमाचल जा रहे हैं ये कन्फर्म्ड है नेक्स्ट 15 डेज में, बट हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि हमने बैठे बैठे एक साथ 3 जगह तो सेलेक्ट कर ली है अभी। हाँ, हमारे पास 3-4 जगह हैं, कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, बट आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भाई लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।